नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 709वां एपिसोड। 7 अगस्त की तारीख हो गई है, एशिया कप की 20 वर्ल्ड कप और आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। अंत तक वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले आपके फोन पर देते हैं, लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भैया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो और बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो का दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो भारत को वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिल गई है सीरीज जीत। 3-1 से भारत ने T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज को हरा दिया। हालांकि आज 5वां T20 मैच USA में खेला जाएगा। उम्मीद तो यही है कि इस मैच में भी टीम इंडिया अपने झंडे गाड़ेगी। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले टीम इंडिया ने एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस के बाद एशिया कप जीतकर एक और गिफ्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया धोनी को लेकर कल बड़ा सवाल हमसे पूछा गया था, अभय भाई ने हमसे सवाल पूछा था। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, कल आपके सवाल का जवाब दे देंगे, कल आप भी हमारी वीडियोस का हिस्सा बन जाना। तो अभय जैन ने सवाल पूछा था, इज एमएस धोनी बिकम द नेक्स्ट कोच फॉर टीम इंडिया, क्या अगले कोच महेंद्र सिंह धोनी होने वाले? इसका जवाब है नहीं। कोचिंग पद से ब्रांड को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो जो पूरा श्रेय मिलता है वो कैप्टन को मिलता है, लेकिन जब आप हारते हैं तो हार के कारण ढूंढे जाते हैं और कोच को कारण बनाया जाता है। ये हमने पूरी दुनिया की क्रिकेट का इतिहास देखा है, सिर्फ इंडिया का नहीं। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी हो गए, या फिर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले 2013 में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे, उनके बारे में भी यही बात कही थी, उन्होंने भी कोचिंग पद नहीं लिया था। तो कोई भी प्लेयर जो कि बहुत बड़ा लेजेंड बनता है वो कभी कोचिंग पद इसीलिए नहीं लेता। फ्यूचर में ऐसी गलती कई सारे प्लेयर्स कर चुके हैं और वो भुगत भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो यार कल होगा एशिया कप के लिए भारत की स्क्वाड का ऐलान। टीम इंडिया की स्क्वाड के लिए एक लाइक जरूर बनना चाहिए भैया, नीचे लाइक का बटन है अभी हिट कर दो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फेसेस है उनकी तरफ नजरें रहेंगी। क्या मोहम्मद शमी, क्या केएल राहुल, क्या कुलदीप यादव, क्या दीपक चहर, क्या उमरान मलिक, भैया किस किस का सिलेक्शन होगा ये हमें कल पता लगेगा। लेकिन 5 ऐसे आईपीएल के खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, उनके नाम आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, देखते रहना। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, बात करते हैं। तो यार आईपीएल में एक बड़ा घमासान मचते हुए मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से नजर आ रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के मालिक नीता अंबानी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लग गए हैं और बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर्स ने उनसे इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा है। होता क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और क्यों लगे ये आरोप, ये बताता हूं। दरअसल दोस्तों, मुंबई इंडियंस के मालिक है अंबानी ग्रुप, और यही जो अंबानी ग्रुप है ये इस समय वाईकॉम 18 नेटवर्क के भी मालिक है, जिनके पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग्स के अधिकार है। मतलब भैया जो मुंबई इंडियंस के मालिक है अंबानी, वही आईपीएल को भी ब्रॉडकास्ट करेंगे। एक किसी टीम का मालिक पूरे आईपीएल पर भी ब्रॉडकास्टिंग के अधिकार रख रहा है। इससे हो ये सकता है आगे जाकर कि वो अपनी टीम के प्रति बायस रहे ब्रॉडकास्ट करने में, मतलब अपनी टीम की ज्यादा ब्रांडिंग कर दे, मुंबई इंडियंस को इससे फायदा हो जाए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौरान। हो सकता है जब मुंबई इंडियंस के मैचेस हो तो जो स्ट्रीमिंग क्वालिटीज हो वो बहुत अच्छी हो, और जब दूसरी टीम के मैचेस हो तो क्वालिटी गिरा दी जाए। इससे मतलब ये होने नहीं वाला है, इस तरह के स्पेकुलेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दौरान लगाए जाते हैं, और इसीलिए दोस्तों ये आरोप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लगा है। मुंबई इंडियंस के मालिक इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या ये सचमुच ऐसा होगा, क्या मुंबई के मालिक ऐसी हरकत करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो कॉमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो सुनील गावस्कर के लिए लाइक बनना चाहिए, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि आईपीएल को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी आईपीएल पर लगातार तनकीद कर रहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और उनके फॉर्मर प्लेयर्स पर सुनील गावस्कर ने बड़ी बात कह दी। सुनील गावस्कर कह रहे हैं, टू इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलियंस, डोंट इंटरफेयर इन अवर क्रिकेट एंड आईपीएल, हमारे आईपीएल और क्रिकेट में इंटरफेयर मत करो अंग्रेजों और ऑस्ट्रेलियनों। दरअसल दोस्तों, सुनील गावस्कर ने वो समय भी देखा हुआ है जब इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भारत आते थे तो मुंबई में सिर्फ शिप पर रहते थे, वो भारत में होटलों में भी नहीं रहा करते थे, और सिर्फ वो शिप से आकर क्रिकेट खेलते थे और वापस शिप पर आ जाते थे और वहीं से चले जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था इंडिया एक डर्टी कंट्री है। आज जब इंडिया इस मुकाम पर पहुंच गया है, जब इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया भर की लीगों की बैंड बजा रही है, तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि एक समय इन्होंने भी हिंदुस्तानियों को वो समय दिखाया था। आज आपकी बारी है, भुगतिए अंग्रेजों और ऑजियों। तो मैंने भी अपनी राय दे दी भैया, आपको क्या राय है आपकी कमेंट बॉक्स में बताना, मेरी राय से सहमत हो तो लाइक करना। आगे बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। स्टेवन गैमिट नाम से कल चैनल है, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछ लिया था, भैया जडेजा वांट टू लीव सीएसके, विल सीएसके ट्रेड हिम? क्या जडेजा चेन्नई को छोड़ना चाहते हैं तो क्या चेन्नई उनको ट्रेड कर देगी? देखो ट्रेडिंग जो होती है इंडियन प्रीमियर लीग में वो सिर्फ टीमें नहीं करती, खिलाड़ी को भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर प्लेयर चाहता है
और 16 करोड़ रुपए में कोई दूसरी टीम तैयार है जडेजा को लेने के लिए, तो ही ये ट्रेडिंग पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज होगी नहीं। हाँ, तो ये जरूर है कि ऐसा संभव हो सकता है। अभय भाई आपने जो, माफ कीजिए स्टेवन भाई, जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल सही है, बट यार इसका जवाब यही है कि यार अगर कोई टीम तैयार होगी और जड्डू जाना चाहेंगे उस टीम में तो ये ट्रेडिंग हो पाएगी, पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की दोस्तों, यहां से बात करते हैं तो एशिया कप के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड का ऐलान होने वाला, मैंने आपको बताया शुरुआत में जब वीडियो शुरू हुई, लेकिन पांच ऐसे खिलाड़ी जो आईपीएल में खूब 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 चले, बट भैया एशिया कप में इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, टीम इंडिया के स्क्वाड में इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, विच इज कंफर्म। तो पहला नाम है कुलदीप यादव, बहुत अच्छा आईपीएल गया था, नहीं सिलेक्ट होंगे। शुभमन गिल बैंड बजाकर रखी थी बल्ले से, गुजरात टाइटंस के हाईएस्ट रन स्कोरर में से एक थे, नहीं होंगे। शिखर धवन भैया टॉप फाइव में लगातार बने हुए थे, ऑरेंज कैप की दौड़ में लगातार बने हुए थे, नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। मोहम्मद शमी टॉप विकेट टेकर्स की दौड़ में लगातार बने हुए थे गुजरात टाइटंस के हवाले से, नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, बीसीसीआई ने डिनाई कर दिया। और उमरान मलिक जिन पर सबकी निगाहें थी, जो कि टॉप थ्री में रहे थे भैया हाईएस्ट विकेट टेकिंग वाले मामले में, और एसआरएच की टीम के हवाले से जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था वो उमरान मलिक ही थे, लेकिन भैया जो खबरें आ रही है इनको टीम इंडिया ने अभी तक अभी के लिए रिसेंट सीरीज और टूर्नामेंट्स के लिए स्टे दे दिया, बोल दिया एक आईपीएल और खेलो। तो अभी तक की स्थिति में ये पांच प्लेयर्स हैं, हालांकि कल स्क्वाड का ऐलान होगा और पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से इन पांच में से किसका सिलेक्शन होना ही चाहिए। कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट करके अपनी राय फटाफट लिख दीजिए, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हजारों लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ऐसे दिन भर की नौवीं बड़ी खबर की, एबी डिविलियर्स का रोल होने वाला है आरसीबी की टीम में, ये तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं कि वो रोल टीम मैनेजर का भी हो सकता है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार आरसीबी की टीम एक टीम मैनेजर अपॉइंट कर सकती है। अब ये टीम मैनेजर जो कि अमूमन फुटबॉल में हुआ करते हैं, वो अब हमें क्रिकेट में दिखेंगे। अब इनका रोल क्या रहेगा, ये किस तरह से रहेंगे, क्या ये भी वही कोट पहनकर वहां बैठे रहेंगे एबी डिविलियर्स, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या सैलरी होगी, क्या पोस्ट होगी, ये सब आने वाली वीडियोस में आपको पता लगता रहेगा, लेकिन ये जो टीम मैनेजर का पद है आरसीबी ला सकती है। आपको बता दूं इससे पहले डायरेक्टर ऑफ द क्रिकेट का भी पद आरसीबी ने तैयार किया था अपनी टीम में, जो कि माइक हसन के पास है। आगे बढ़ते हैं दसवीं बड़ी खबर की बात करते हैं, तो यार एशिया कप में क्या होने वाला है, प्राइज मनी कितना पैसा जीतने वाली टीम को मिलेगा, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी एमसीबी शॉर्ट हमारे नए चैनल पर, भैया वीडियो के लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, अभी वीडियो देखिए, जीतने वाली टीम को कितना पैसा मिलेगा वो मैंने एमसीबी शॉर्ट पर बता दिया, वहां भी सब्सक्रिप्शन दे देना। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिए, कल आपके सवाल के जवाब दे देंगे, कल की वीडियो का हिस्सा बन जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।